शरीर की एक खास ज्यामिति होती है। जब आप ज्यामितीय रूप से तालमेल की एक खास स्थिति में होते हैं, सिर्फ तभी आप किसी भी स्थिति से गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। मैं हर समय इस तरह नहीं बैठता, सिर्फ तब जब मैं बोलता हूँ। तो शरीर में एक सिस्टम, एक ऊर्जा प्रणाली होती है। अगर अकीलीज का वो स्थान आपके मूलाधार को छूता है जब आप इस तरह बैठते हैं, तो एक संतुलन आता है। शरीर की एक खास ज्यामिति होती है। अगर आप शरीर की ज्यामिति को अच्छी तरह मैनेज करते हैं तो आप, मैं आपको बता रहा हूं, अभी लोग, पश्चिमी संस्कृतियां ये प्रचार कर रही हैं कि योग एक दूसरी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। उसके बजाय आप पिलाटेस कर सकते हैं, उसके बदले आप बॉक्सिंग कर सकते हैं, उसके बजाय आप टेनिस खेल सकते हैं। देखिए, अगर आप सिर्फ फिट होना चाहते हैं तो जाकर कहीं दौड़िए, पहाड़ चढ़िए, टेनिस खेलिए, कुछ कीजिए। योग का संबंध फिटनेस से नहीं है, फिटनेस उसका सिर्फ एक नतीजा है। महत्वपूर्ण चीज है जीवन की सही ज्यामिति पाना, क्योंकि भौतिक ब्रह्मांड पूरा ज्यामिति ही है। अब ये इमारत यहां खड़ी है, ये कितने समय तक यहां रहेगी, ये आज हमारे सिर पर गिर जाएगी या लंबे समय तक टिकी रहेगी, ये दरअसल इस पर निर्भर करता है कि इसकी ज्यामिति कितनी सटीक है। यही बात शरीर पर लागू होती है, यही बात ग्रहों पर लागू होती है, यही बात ब्रह्मांड पर लागू होती है, यही बात हर चीज पर लागू होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, वो किसी स्टील के तार से बंधी हुई नहीं है, ये बस ज्यामिति की सटीकता है ना। थोड़ा भी ज्यामिति से अलग अगर ऐसा हो तो ये हमेशा के लिए गायब, और यही आपके लिए भी सच है। अगर आप अपनी मूलभूत ज्यामिति से दूर जाते हैं तो आप खत्म। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट एन अर्ली एज यू डू द राइट थिंग्स टू ब्रिंग अ राइट सेंस ऑफ ज्योमेट्री। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कम उम्र से ही आप सही ज्यामिति लाने के लिए सही चीजें करें, फिर आप जीवन से गुजरने के योग्य बन जाते हैं। जो लोग सोचते हैं कि उनके साथ सिर्फ अच्छी चीजें होनी चाहिए, जाहिर है कि वो जीवन के लिए अयोग्य हैं। क्योंकि अगर आप नहीं चाहते कि मुश्किल स्थितियों से अच्छी तरह खुशी खुशी कैसे गुजरें, फिर आप सभी संभावनाओं से बचेंगे, है ना। आप जीवन की सभी बड़ी संभावनाओं से सिर्फ इसलिए बचेंगे क्योंकि आप थोड़ी सी कठिनाई से बचना चाहते हैं। जब आप ज्यामितीय रूप से तालमेल की एक खास स्थिति में होते हैं, सिर्फ तभी आप किसी भी स्थिति से गुजरने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। मैं हर समय इस तरह नहीं बैठता, सिर्फ तब जब मैं बोलता हूं। मैं कैसे बैठा हूं अगर मुझे समझाना हो तो इसके कई पहलू हैं। एक सरल पहलू है कि बाई एड़ी पर एक स्थान होता है जिसे आजकल मेडिकल साइंस अकीलीज कहता है। आपने अकीलीज के बारे में सुना है? तो शरीर में एक सिस्टम, एक ऊर्जा प्रणाली होती है। अगर अकीलीज का वो स्थान आपके मूलाधार को छूता है जब आप इस तरह बैठते हैं, तो एक संतुलन आता है जिससे आप किसी का पक्ष नहीं लेते। देखिए, हम सभी के पास अपनी राय, सोच, विचारधारा, चीजें, जीवन का अपना अनुभव होता है। जीवन के आपके अपने अनुभव और जो छाप आपके मन पर पड़ी है, वो उस हर चीज पर असर डालती है जो आप देखते हैं। आप इस व्यक्ति को पसंद करते हैं, आप इस व्यक्ति को पसंद नहीं करते, आप उस व्यक्ति से प्यार करते हैं, आप इस व्यक्ति से नफरत करते हैं, ये सब इसीलिए है क्योंकि आप लगातार अपनी राय बना रहे हैं। लेकिन अगर आप वाकई जीवन को जानना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप कोई राय न रखें। आप हर चीज को नए सिरे से देखने के लिए तैयार हैं, अपने जीवन के हर पल में, एकदम नए रूप में, अपने जीवन के हर पल में। लोगों के लिए यह समझना बहुत मुश्किल है। यही आध्यात्मिक प्रक्रिया का सार है कि हम लगातार हर जीवन को एक संभावना के रूप में देखते हैं। यकीनन संभावना और हकीकत के बीच एक दूरी होती है। कुछ में उस दूरी को तय करने की हिम्मत और लगन होगी, कुछ में उस दूरी को तय करने की हिम्मत और लगन नहीं होगी। लेकिन हर जीवन एक संभावना होता है। अगर आप उस संभावना को खुली रखना चाहते हैं तो आप कभी किसी के बारे में किसी तरह की राय कायम नहीं करते। अच्छी, बुरी या भद्दी, आप ऐसी राय कायम नहीं करते। आप बस उन्हें अभी देखें, वो अभी इस पल कैसे हैं। मेरे लिए बस वही मायने रखता है। आप कल कैसे थे इससे मुझे मतलब नहीं है। आप कल कैसे होंगे हम देखेंगे। कल को बनाया जाना चाहिए, उसे अभी से निर्धारित नहीं करना चाहिए, है ना।